आई डोंट नो इफ यू ऑल नो मी और नॉट, या हमारी कभी इंटरेक्शन हुई है, बिकॉज इससे पहले तो शायद मैंने आपको कोई कोर्स नहीं पढ़ाया. बट आई एम फरहान सरवर एंड करंटली आई एम योर टीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. एंड एक्चुअली इससे पहले मेरी PhD जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज में है, लेकिन मेरा जो थीसिस है, जो मेरा रिसर्च एरिया है, दैट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. I have also a master's in psychology because I like this particular topic. My specialization is HRM, human resource management. So, zyada jo meri isse pehle studies hain aur isse jo meri apna personal interest bhi hai, that is studying people's psychology and their behavior. So, iske andar mera kafi apna interest bhi hai, meri research bhi isme bahut zyada hai. So there will be many things जो मैं भी बहुत जैसे कहते हैं ना इंटरेस्ट है मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और उसकी वजह आपको भी साथ समझ आ जाएगी कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू बी यू व्हेन यू विल थिंक अबाउट योर प्रैक्टिकल लाइफ. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे हम ये कोर्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों ने चीजों को इमेजिन करने, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कोर्स. आप लोग अपने आप को खुद उस सिनेरियो में रख के इमेजिन योर सेल्फ दैट मे बी आफ्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी इयर्स के बाद यू योर सेल्फ बींग अ मैनेजर, और आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, और आपके सुपीरियर्स जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और किस तरीके से आप उन लोगों के साथ इन द बेस्ट पॉसिबल वे डील कर रहे हैं, ठीक है. मे बी योर रोल इज बीइंग अ लीडर, योर रोल इज बीइंग अ मैनेजर, और इवन यहां तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इन सारी चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. यू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दिस एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स आर इक्वली एप्लीकेबल इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में, ना सिर्फ आपकी जॉब्स में, ना सिर्फ आपका रोल बीइंग अ मैनेजर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं. यू बीइंग अ सन, अ डॉटर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी रोल्स आप प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दीज कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो लेट्स नॉट वेट टू लॉन्ग टू स्टार्ट, ठीक है. इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स की क्या होती है. थोड़ा सा रिवीजन होगा आपका जो कोर्स था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके कॉन्सेप्ट्स इनिशियली जो रिवाइज होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू बीइंग अ बीबीए स्टूडेंट्स इज लर्निंग टू बी अ मैनेजर, ठीक है. आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैनेजर बनना है, चाहे आप वो जिस मर्जी डिपार्टमेंट में मैनेजर बने, लेकिन उसके कुछ ओवरलैपिंग फंक्शंस, रोल्स एंड स्किल्स होते हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं. हम एक दफा उसको रिवाइज करेंगे ताकि हमारे जहन में वो तरोताजा हो जाए. Then we will have a definition of organizational behavior, right? कि organizational behavior क्या होता है और उसकी क्या applications हैं, ठीक है. Then we will show the value of OB in systematic study. हम क्यों एक systematic तरीके से OB को पढ़ते हैं. So OB actually हम कहते हैं organizational behavior को ज्यादातर. From now onwards, whenever I say OB, ठीक है, it means organizational behavior. तो ये वाला acronym जो है ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. Identify the major behavioral science disciplines that contribute to OB. OB basically is a mixture of many other behavioral science disciplines, जो आगे चल के डिस्कस होगा. There are few absolutes in OB. There are few laws in OB. In human psychology, there are few things like laws of gravity or laws of diminishing margin utilities, economics में पढ़े हैं ये all laws. Absolutes कम होते हैं, theories ज्यादा होती हैं, perspectives ज्यादा होते हैं. That is beauty of human psychology. के हालांकि हम बहुत सारी चीजें बहुत accurately determine कर भी सकते हैं, लेकिन even human psychology के अंदर absolutes नहीं होते. There are flexible concepts, there are flexible theories. Identify the challenges and opportunities managers have in applying OB concepts. And then three levels of analysis जो हम OB में पढ़ेंगे. So this is the course outline or the chapter outline, not the course outline. Course outline I will share with you on your GCR Google Classroom.
So before I proceed, I would like to know that I'm audible to all of you and you are getting the points that I'm discussing here. Anyone can just unmute their mic or mujhe bataein ki they can hear me loud and clear. Ji, Fiza Tahir, are you there? Mohammed Bilal, Amna, anyone? Nida? Yes, sir. Aapki awaaz bilkul theek aa rahi hai. Okay, thank you. So, as a matter of fact, hum baat shuru yahan se karte hain ki why we are going to study human psychology, why we are going to study how people behave, why we are going to study organizational behavior, behavior of people at home. So it's all to do with the there are skills jo aap dusre courses mein seekh rahe hain jinko hum kehte hain technical skills. Theek hai, aapne apne finance ke courses mein padhe, accounting se course padhe, aapne ratios analysis karna seekha, aapne strategic analysis karna seekha, maybe aapne research ka course padhe, usme cheeze bahut sari thi, aap bahut sari technical knowledge gain kar rahe hain. साथ साथ आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी गेन कर रहे हैं जी. कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आप सीख रहे हैं. अभी आप लोगों ने पढ़ना है, यू आर स्टिल इन सिक्स्थ सेमेस्टर, यू टू मोर सेमेस्टर्स टू गो. ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या इवन अगर उनके फुल फ्लेज कोर्स नहीं है तो उनके डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप एक ब्लेंडेड कोर्स में पढ़ रहे हैं. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इनिशियली. आप जब भी कोई जॉब हासिल करते हैं तो आपके टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. आपसे इवन जो बेसिक इंटरव्यूज होते हैं, अगर आपको जॉब एज एन फाइनेंस एन अकाउंटेंट इनिशियल लेवल की कोई जॉब करनी पड़े तो आपसे कुछ टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. आपको एचआर की जॉब करनी पड़े तो आपसे एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जी. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है, काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस. मार्केटिंग में जाएं तो मार्केटिंग वाले आपके जी ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझाएं. इस किस्म के टेक्निकल स्किल्स दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है. फिर क्वांटिटेटिव स्किल्स जी, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज, मैथमेटिक्स का नॉलेज, इस तरह की चीजें. वर्ड में काम करना आता है कि नहीं आता, एक्सेल में काम करना आता है कि नहीं, दे ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू स्पेसिफिकली फॉर यूर बेसिक जॉब्स. लेकिन throughout your life there are few skills that you are going to help you from your first job till your end job, and they are going to be your how you work with people. Aap logon ke sath kis tarah kaam kar sakte hain aur logon ko kis tarike se handle kar sakte hain, these are actually the major determinant of the success, theek hai. Aur wo isliye critical hain kyunki being a manager actually means that you are working with the people. आपने लोगों से काम कराना है. Now there is an example of a very, you know, a rich person almost 100 years ago. His name was Andrew Carnegie. आप समझे कि Andrew Carnegie और John D. Rockefeller, ये दोनों early 1900s के Bill Gates और Jeff Bezos और आजकल तो Elon Musk, they are the richest three people now. ये अर्ली 1900s के ये थे, ठीक है, richest people, जिनकी दौलत अगर आजकल के टर्म्स में देखी जाए तो ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर्स प्लस थी. तो उसमें से एंड्रयू कार्नेगी वाज वन ऑफ द पर्सन, लेट मी राइट द नेम हियर फॉर यू, अगर आप कभी सर्च करना चाहो तो ही वाज ना एंड्रयू, जस्ट राइटिंग इट आउट, एंड्रयू कार्नेगी, कार लिख के and something like this. So Andrew Carnegie, इसको कहा जाता है कि ये जी लोहे का बादशाह, ठीक है, आयरन किंग. ये लोहे की इंडस्ट्री में इसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और he was actually one of those people जिसने पहली दफा ट्रेन में लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया. He had absolutely no knowledge about how to make things out of iron. उसको बिल्कुल नहीं पता था कि आयरन से चीजें कैसे बनाते हैं या उसकी टेक्निकलिटीज उसको नहीं पता थी. बट ही वॉज वेरी गुड
with so many other soft skills dealing with people. बच्चा से लेके बड़े होने तक उसको पता था कि मैंने लोगों से काम कैसे निकलवाना है, मैंने लोगों से नेगोशिएट कैसे करना है, मैंने लोगों से बिजनेस कैसे हासिल करना है, मैंने जो मेरे सबऑर्डिनेट्स जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनसे काम कैसे करवाना है. यानी कि अगर उसकी आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो उसके बचपन की एक एग्जाम्पल थी कि उसने उसके पास उसके घर में रैबिट्स थे, ठीक है, और वो आपको पता है जब रैबिट्स के आपके पास पेयर हो तो वो बहुत सारे उनके बच्चे हो जाते हैं और उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसके घर में जब उसके पास रैबिट्स थे तो अब उस उनको खाना पीना, उनके बहुत सारे बच्चे हो गए, उनका खाना पीना बंदोबस्त करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया. सो उसने क्या किया कि उसने मोहल्ले के बच्चों को कहा कि मैं एक एक बच्चे का नाम तुम्हारे नाम पे रख दूंगा, रैबिट के बच्चे का नाम, तुम लोगों ने अपने नाम के बच्चे के लिए खाना लेके आना. आपको पता है छोटे बच्चे थोड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, इस तरह की चीजें उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, खुश हो जाते हैं, और वो उसके लिए एक बंदोबस्त हो गया कि उसके रैबिट्स के बच्चों को खाना खिलाने का. और सिमिलरली जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसकी स्किल्स डेवलप होती गई, ठीक है. उसने इतने बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स जीते, इतने बड़े बड़े मर्जर्स किए, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हासिल किए, सिर्फ ये छोटे छोटे स्किल्स के दूसरे लोगों के साथ कैसे डील करना, दूसरे लोगों को कैसे इंप्रेस करना है, दूसरे लोगों के साथ नेगोशिएशन में कैसे जीतना है, उनकी पर्सनैलिटीज को समझ के. इवन ये जो नाम वाली टेक्निक है उसने वो अब बाद में भी अप्लाई की और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के साथ अपना मर्जर किया, एक बहुत बड़े बिजनेस के साथ अपना मर्जर किया. और जब मर्जर में नेगोशिएशन के बाद ये बारी आई कि इस फैक्ट्री का नाम क्या रखना है, तो उसने कहा नाम रखा जाएगा आपके नाम पे, दूसरी पार्टी के नाम पे. और सिर्फ उसने वही बात उन्हें कह के बाकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो अपनी मनवा ली. उसकी फैक्ट्री में जो लोग जॉब करते थे फॉर इंस्टेंस, ठीक है, उनके दरमियान में कंपटीशन पैदा करवा के, एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करवा के उन्होंने उनकी प्रोडक्शन बढ़वा दी. तो ये जो आप पीपल के साथ जो डील करने के जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी क्रिटिकल एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दे आर मेंशनड हियर इन ऑल कैप्स. तो ये हम साथ साथ आगे चल के जब कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे जी, वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन कौन सी आउटकम्स कौन से होते हैं, इनपुट्स कौन सी होती हैं, सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट क्या है अगर आपको एक मैनेजर स्किल्ड है, ठीक है, एक तो ये कि आपके पास क्वालिटी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर है. बीइंग अ मैनेजर एक्चुअली मींस योर ऑर्गेनाइजेशन इज एज अ एडवांटेज एंड बीइंग अ गुड मैनेजर एंड एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजर मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस जो है वो शो कर रही है. जस्ट टू रिवाइज व्हाट मैनेजर्स डू, ठीक है, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मैनेजर्स एक्चुअली गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल. That is essence of being a manager. A single person can not be a manager. Obviously, we are a manager in ourselves. हम हर चीज अपने perspective में manage कर रहे हैं. But organization perspective में जब हम बात करें, a manager is a person who get things done through other people. ठीक है, और उसमें बहुत हद तक उसके उसकी जो activities हैं, उसमें they need to make decisions, they need to allocate resources, they need to direct activities of others to attain the goals. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऑब्वियसली समटाइम्स डेफिनेशन टेंड्स टू बी बिट डिफिकल्ट, बट उनकी जो उनको इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि एक सिंगल डेफिनेशन में बहुत डिफरेंट किस्म की जो एंटिटीज हैं वो उनको हम कवर अप कर सके, ठीक है. सो दे हैव डिफाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट. व्हेनेवर द वर्ड सोशल कम्स इट मींस कंपोज्ड ऑफ पीपल, composed of two or more people that functions on a relatively continuous basis. यानी सिर्फ आप लोगों को अगर एक टास्क दिया गया है, एक ग्रुप टास्क दिया गया है और एक प्रोजेक्ट में आपने काम करना है, आप चंद दिन के लिए इकट्ठे, यू डोंट बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन इन योर सेल्फ, ठीक है. एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू वर्क ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स. सो जनरली हमें पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमें पता है कि अ शॉप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि जहाँ पे डिफरेंट पीपल काम कर रहे हैं
पाकिस्तान रेलवेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे मिलजुल के लोग काम कर रहे होते हैं एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव अ कॉमन गोल और अ सेट ऑफ गोल्स. So the famous management functions, you already have studied it before in your principles of management course. KG manages four types of functions a manager perform. What? They tend to plan, they tend to control, they tend to lead, they tend to organize. So planning, controlling, leading, organizing. These are the four functions of the managers. और ये जो आपके सामने ये चार फंक्शंस हैं बेसिकली हेनरी फॉयल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट रखा था. ठीक है कि जी ये चार फंक्शंस जो हैं ये मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं जिसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग. ठीक है, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी कोई काम करने से पहले वी नीड टू प्लान. प्लानिंग पेपर पेंसिल वाला टास्क है, प्लानिंग सोचने समझने वाला टास्क है. प्लानिंग के अंदर बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का इस्तेमाल है. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को एनालाइज करने की जो आपकी एबिलिटी है. ठीक है, 2+2 इज एक्चुअली टेक्निकल नॉलेज, बट मेकिंग 2 एंड गेटिंग अनदर 2 एंड मेकिंग इट 5 इज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल स्किल. कि जी हम किस तरह एक 2 एक चीज लाए और 2 दूसरी चीज लाए और हमारी आउटपुट 5 निकले, यानी मेरे आउटपुट एक बेटर क्वालिटी के एक प्रोडक्ट निकले, किस तरह ये पॉसिबल है, दैट इज एक्चुअली अप कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. ठीक है, तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम गोल्स डिफाइन करते हैं. डिफरेंट किस्म के गोल्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. प्रोडक्शन गोल्स भी हो सकते हैं, HR गोल्स भी हो सकते हैं, मार्केटिंग गोल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं एंड वी डेवलप प्लान्स टू कोऑर्डिनेट दोस एक्टिविटीज. सो अब जिस तरह आपने देखा कि हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले बीइंग अ मैनेजर बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस डिपार्टमेंट देयर वाज सो मेनी थिंग्स दैट आई नीडेड टू प्लान. ठीक है, आई वाज लाइक आई एम अ मिडिल लेवल मैनेजर, मे बी इनफैक्ट आई एम अ लोअर लेवल मैनेजर ओवर हियर. आवर प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स दे आर लाइक मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड वी हैव द वाइस चांसलर्स द रजिस्ट्रार द टॉप लेवल मैनेजर्स. तो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पॉलिसी आती है. There are so many continuous goals that have been established and strategies that have been developed कि जी COVID के दौरान academics कैसे चलना चाहिए, irrespective of the fact that those strategies were good or bad, that's another thing. Strategies need to be developed, irrespective of the fact कि जी वो strategies जो हैं वो effective थी या not effective थी, they need to be developed. ये एक बड़ा important task है जिसको हम फुलफिल करते हैं एंड लेटर ऑन वी नीड टू हैव यू नो प्लान्स टू कोऑर्डिनेट दोस एक्टिविटीज. तो प्लानिंग इज एक्चुअली वन फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स. एज दे एडवांस दे डू दिस फंक्शन मोर ऑफन, यानी के जो अपर लेवल मैनेजर्स हैं वो फंक्शंस जो हैं वो ज्यादा परफॉर्म करते हैं. Secondly, managers organize things. Organize what? Organize basically किया जाता है resources को. ठीक है, organize basically किया जाता है लोगों को. Organize basically किया जाता है tasks को. ठीक है, अब task किसने कौन सा perform करना है. For example, developing the timetable and actually is basically part of the planning, but organize कर रहे हैं हम कि जी क्लासेस किस तरीके से होंगी. ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि कौन से रूम्स में कौन सी क्लास पढ़ेगी. ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाएगा. ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम कि हमारे पास कितने मल्टीमीडियाज हैं और कितने टीचर्स को मल्टीमीडिया की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, सो ऑल दीज जिसमें हम रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं. ठीक है, हम टास्क को एलोकेट करते हैं, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग. And obviously, you know, के जब तक चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कि हमने क्या काम करना है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, तब तक वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता. सो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड देन वी हैव द लीडिंग फंक्शन. अ मैनेजर जस्ट कैन नॉट इग्नोर जस्ट कैन नॉट सिट असाइड
लोगों को टास्क असाइन करके प्लानिंग करके और आप सिर्फ चेयर पे बैठ नहीं सकते. यू नीड टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज, यू नीड टू डायरेक्ट योर एम्प्लॉयज, यू नीड टू लीड योर एम्प्लॉयज, यू नीड टू कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉयज, एंड यू नीड टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस लाइक रिजॉल्विंग कंफ्लिक्ट बिटवीन द पीपल, लाइक नेगोशिएटिंग विद पीपल, लाइक अजान की ब्रेक लेते हैं, रिज्यूम आफ्टर अजान. Okay, let's assume. So we were talking about the third function of the managers, that is leading. और मैंने आपको शुरू में भी ये बात बताई थी कि जब भी ये कोर्स हम पढ़ रहे होंगे आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. यू शुड फील योर सेल्फ बींग एट दैट पोजिशन एंड डूइंग ऑल दोज फंक्शंस. ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करें वट एवर वेयर एवर यू वांट टू एंड अप एज अ मैनेजर इन द जॉब. आपने कोई ना कोई टारगेट्स बनाए होंगे, कोई ना कोई गोल्स बनाए होंगे अपने फ्यूचर के बारे में. आइदर यू वांट टू बी यू वांट टू गेट अ जॉब, किसी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, फॉरेन अब्रॉड, जहां भी, या बिजनेस करना चाहते हैं, या आप कर रहे हैं और जॉब एंड यू वांट टू बी एट सर्टेन पोजीशन. तो वो आप उस इमेजिनेशन में, आप उस पूरे सिनेरियो को अपने सामने रखते हुए, आप इवन अपने ऑफिस को इमेजिन करते हुए, अपने उस एसी जो ऑफिस में चल रहा है उसकी ठंडी हवा एंजॉय करते हुए, अपनी चेयर जिस पे आप बैठेंगे उसको एंजॉय करते हुए, फील करते हुए, यू आर गोइंग टू इमेजिन कि जी ये वाले फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हैं. हाउ विल यू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज, हाउ विल यू कंट्रोल योर एम्प्लॉयज, देयर मे बी अ सबऑर्डिनेट ऑफ योर्स, आपका कोई ऐसा मातहत है जो डेविएंट है, जो बात नहीं मानता, ठीक है, जिसको आप समझा रहे हैं काम करने को वो काम नहीं कर रहा, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से आप उसको इस तरफ लेके आएंगे कि वो काम करे, इमोशनली कैसे इंगेज करेंगे, लोगों के इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करेंगे. दिस ऑल इज एक्चुअली द लीडिंग फंक्शन एंड वी नीड टू डू दैट इन एज अ मैनेजर.
दीज आर एक्चुअली लोगों से काम करवाना, मुश्किल लोगों के साथ काम करना, दीज इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स. एंड फाइनली अ मैनेजर ऑलवेज नीड्स टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस, हाउ द एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग. जो हमने उनको गोल्स दिए थे, जो हमने उनको काम दिए थे, क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. इसका मतलब है आपने कोई ना कोई पैरामीटर सेट किए होंगे. व्हाट इज अ गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस क्या है? क्या 25% आप टारगेट्स को मीट करें, आपकी सेल्स की टीम ये अच्छी परफॉर्मेंस है, या 75% टारगेट्स को मीट करें? रोज के 10 नए ऑर्डर बुक हो या रोज के 20 नए ऑर्डर बुक हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, आप पहले गोल्स को, आप परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज को सेट करते हैं. एंड इफ दे आर नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन, आप उसको किस तरह करेक्ट करते हैं. सो कंट्रोलिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ मैनेजेरियल फंक्शन. अगर देखा जाए, ये लीड दो दफा आ गया, यहाँ पे गलत है. अगर देखा जाए तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ये पैरेलल चल रहे होते हैं. They are not something. ये possible है कि आप थोड़ी जल्दी से planning शुरू कर दें, साथ साथ organizing शुरू कर दें, साथ ही उस काम को implement करके leading and controlling. But there is an overlap between all these functions. यानी एक ही time में आप planning, organizing, leading, controlling कर रहे हैं. If you ask me, I am also, we all are actually doing it online right now. ठीक है, तो इफ यू आस्क मी, आई एम अटेंडिंग एंड आंसरिंग द कॉल्स थ्रू आउट द डे टू सी के जी कौन से टीचर को क्या इश्यू है, कौन सी क्लास जो है वो उसमें किसी एक अदर स्टूडेंट को इश्यू है, एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बारे में, न्यू हायरिंग के बारे में, आपकी जो कुरान क्लास अभी स्टार्ट हुई है, और इवन ये कि हमने उनके जो टीचर्स हायर किए हैं वो फ्राइडे को उनके इंटरव्यूज हुए, लास्ट फ्राइडे को. ठीक है, उन टीचर्स को एलोकेट करना कोर्सेज, उन टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको जीसीआर के बारे में इन्फॉर्म करना, ऑल दीज फंक्शंस आर एक्चुअली गोइंग ऑन इन पैरेलल. साथ साथ देयर हार्ट के जो काम है, रिसर्च के काम है, उनको कोऑर्डिनेट करना, प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट करना. ठीक है, किसी को कोई क्लासरूम की जरूरत है यूनिवर्सिटी में, इस टाइम इवन कोविड के दौरान भी कुछ क्लासेस कुछ रिसर्च के हो रही है फॉर इंस्टेंस, उन चीजों को कोऑर्डिनेट करना. सो ये पैरेलल चल रही होती है. टाइम टेबल में चेंजेस, कुछ क्लासेस ने कहा जी वी नीड एडजस्टमेंट इन टाइम टेबल, कुछ टीचर्स ने कहा वी नीड एडजस्टमेंट इन टाइम टेबल. सो बयाक वक्त मैनेजर्स जो हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. यू हैव एनी क्वेश्चन, जो आप कुछ कोई बात आप शेयर करना चाहो, कोई इंटरेस्टिंग कोई वाक्या? सर एक क्वेश्चन पूछना. जी जी सर, चारों फंक्शन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? इट डिपेंड अपॉन द टास्क. हम किसी एक को दूसरे पे इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते. हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्लानिंग के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. अगर आपकी प्लानिंग लैप्स कर रही है, आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है, तो आप जितना मर्जी ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग कर लो, आप परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते. ठीक है, लीडिंग को हम थोड़ा सा बेशक साइड पे रख दें. समटाइम ऐसे होता है, देखो आपने रोड का डिजाइन ही ठीक नहीं बनाया. ठीक है, अगर आर्किटेक्ट ने या किसी भी इंजीनियर ने रोड का डिजाइन ही ठीक नहीं बनाया, तो जितनी मर्जी आगे मशीनरी अच्छी ले आओ, जितनी मर्जी वर्कर्स अच्छे ले आओ, अगर वो डिजाइन ही बेसिक ठीक नहीं है, तो वो रोड कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, घर अच्छा नहीं बन सकता, प्लाजा अच्छा नहीं बन सकता. ठीक है, सो प्लानिंग इज एक्चुअली द बेस. प्लानिंग के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होता है. लेकिन एक दफा प्लानिंग अच्छी हो, तो फिर बाकी तीनों जो फंक्शंस हैं वो उनकी लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है. बट लीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लीडिंग फंक्शन एक जैसे रिसोर्सेज में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे मैनेजर लीड कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो आगे बढ़ जाएगी. एक ही जैसे रिसोर्सेज हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लीडिंग नहीं हो रही, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज नहीं है,
کمیٹڈ نہیں ہے, سیٹسفائیڈ نہیں ہے, کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے, تو ریسورسز جتنے مرضی ہو وہاں پہ آپ کو پرفارمنس نہیں ملے گی. سو یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہو کہ پلاننگ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے, لیکن ریسٹ میں باقی سارے فنکشنز جو ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. اوکے, ریزیومنگ ٹو اور لیکچر, ہم نے دیکھا جی فور فنکشنز ہیں جو مور اور لیس, کہیں پہ کوئی زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے کسی میں, کئی مینیجرز جو ہیں جو زیادہ ٹائم پلاننگ میں لگا رہے ہوتے ہیں, کئی مینیجرز جو ہیں جو زیادہ ٹائم لیڈنگ اور کنٹرولنگ میں لگا رہے ہوتے ہیں, کئی ایسے ہیں جو آرگنائزنگ میں لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن مور اور لیس مینیجرز یہ چار فنکشنز جو ہیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ہینری مینسبرگ جو ہے اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ مینیجرز بھی رولز بھی کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی امپورٹینس ہے. ٹھیک ہے, 1960s میں بیسیکلی جو مینسبرگ تھا وہ آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہی تھا جو ریسرچ کرتا تھا, مینجمنٹ کی ریسرچ کرتا تھا. اس نے ڈفرینٹ ایگزیکٹوز جو ہیں جو آرگنائزیشن میں جو ٹاپ لیول اینڈ لو لیول مینیجرز ہیں ان کو جب اس نے غور سے ان کو اسٹڈی کیا, آبزرویشنری اسٹڈی کی, اس نے کہا کہ جی 10 رولز ہر مینیجر پرفارم کرتا ہے. بیسیکلی رول از اینی تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے, آپ اس ٹائم آپ کا اس ٹائم کیا رول ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہو, ٹھیک ہے, آپ فرینڈ ہو, آپ بیٹا بیٹی ہو, بھائی بہن ہو, ٹھیک ہے, سو یہ ڈفرینٹ رولز آپ پرفارم کر رہے ہو. اسی طرح بینگ اے مینیجر, کیا رولز جو ہیں ایک مینیجر کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو اس کو پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے نبھانے ہوتے ہیں. سو کیپ ان مائنڈ کہ دیز رولز کین بی ڈیوائڈ انٹو 3 مین گروپس, یعنی اس کی 3 ہیڈنگز ہیں. ایک تو انٹرپرسنل رولز, ٹھیک ہے, جیسے نیم سجیسٹ کر رہا ہے آپ کو کہ انٹرپرسنل رولز جو ہیں وہ زیادہ تر وہ رولز ہیں جو لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجل یہ رولز جو ہیں وہ پرفارم کر رہا ہے. اس کے بعد انفارمیشنل رولز, ٹھیک ہے, جس کا نالج اور انفارمیشن کے ساتھ تعلق ہے. اینڈ تھرڈ از دا ڈیسیژنل رول, جو ایز اے مینیجر جو اس کو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, جو اس کو فیصلہ کرنا ہے, جو اس کو آلٹرنیٹو آپشنز کے بیچ میں جو چوائس کرنی ہے, دوز آر دا ڈیسیژنل رولز. سو اب وہ کون سے رولز ہیں, لیٹس سی. انٹرپرسنل رول میں سب سے پہلے بینگ اے مینیجر یو آر آلسو اے فگر ہیڈ. اے فگر ہیڈ از سم تھنگ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایز دا ہیڈ آف اے پرٹیکولر ایریا. وہ پرٹیکولر ایریا کیا ہو سکتا ہے, دیٹ کین بی اے ڈپارٹمنٹ, دیٹ کین بی اے کیمپس, دیٹ کین بی اے کنٹری, دیٹ کین بی اے ڈویژن, دیٹ کین بی اے ہول آرگنائزیشن. سو فگر ہیڈ, اگر فگر ہیڈ کی جب بھی میں بات کروں, آپ اپنے ذہن میں لے آنا دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. آلدو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز نو پاورز وٹ سو ایور, ہی از دا سمبولک ہیڈ آف دا کنٹری. یعنی کہ وہ ایک سمبولک ہیڈ ہے, وہ ایک لائک دا ہائیسٹ سیٹ آف دا گورنمنٹ ہے, جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یعنی پریزیڈنٹ از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ویئر از دا پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ. اگر کہیں باہر جائے کہ جی پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہے, دا پریزیڈنٹ, تو ایک سمبل ہے. اسی طرح ایک مینیجر, چاہے اس کے پاس پاورز ہیں یا نہیں, چاہے وہ ان پاورز کو ایکسرسائز کر رہا ہے کہ نہیں, دا مینیجر از بیسیکلی دا ہیڈ آف وٹ, اے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, اے پرٹیکولر سب یونٹ, اے پرٹیکولر آرگنائزیشن. اور اس کو اس فگر ہیڈ کے طور پہ بہت سارے فنکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں, جو لیگل نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں, سوشل نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن کو, بیکاز ہی اور شی از دا ہیڈ آف دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ اور آرگنائزیشن. تو ایک جو رول آپ ایز اے مینیجر آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے, اینڈ سنس یو پیپل آر امیجنگ یور سیلف ایز اے مینیجر رائٹ ناؤ, آپ سوچو کہ آپ کو پارٹیز اٹینڈ کرنی ہے, آپ کو کانفرنسز اٹینڈ کرنی ہے, آپ کو میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے ایز دا فگر ہیڈ. ہو سکتا ہے جو آپ کہیں پہ جا کے اپنے کوئی خیالات کا اظہار کرو, یا کوئی پریزنٹیشن دو, یا اپنی پروڈکٹ کو پریزنٹ کرو, اس پہ آپ کو نے خود کوئی کام نہیں کیا ہوا, کام تو بیک اینڈ پہ آپ کی ٹیم نے کیا ہوا ہے, بٹ سنس یو آر دا ہیڈ آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. دس از ون فنکشن آف دا مینیجر. سیکنڈلی لیڈر, دس از ون رول آف دا مینیجر, سوری اس کو کنفیوز نہیں ہم نے کرنا,
we are actually going through the roles right now. Functions was different. These are the roles. Role of being a leader. ठीक है, और वही जैसे हमने लीडरशिप का फंक्शन पढ़ा, वही लीडरशिप का रोल है कि यू बीइंग अ लीडर. ठीक है, नाउ अगेन यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज, यू हैव टू डायरेक्ट योर एम्प्लॉयज, यू हैव टू गाइड योर एम्प्लॉयज, यू हैव टू इमोशनली अटैच विद योर एम्प्लॉयज, यू हैव टू इमोशनली कंट्रोल योर एम्प्लॉयज, यू हैव, मतलब आप अभी तो जाहिर है आपके इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट विद द टाइम, और एक्सपीरियंस का जरूरी नहीं मतलब कि आपने फील्ड में जाओ और वहीं पे आपको एक्सपीरियंस गेन हो. यू कैन ऑलवेज गेन एक्सपीरियंसेस बाय गेटिंग मोर नॉलेज. हमारी मैनेजमेंट स्टडीज में, हमारी मैनेजमेंट साइंसेज में, ऑब्वियसली दिस इज वन थिंग दैट वी लैक इन अवर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड इन मोस्टली इन पाकिस्तान एज वेल, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जब मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है तो वहां पे केस स्टडीज बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है. उसका एक वजह यह होती है कि केस स्टडीज आर मोस्टली बेस्ड अपॉन, नॉट द केस स्टडीज, दे आर केस स्टडीज, दे आर मोस्टली बेस्ड अपॉन द रियल इवेंट्स जो हुए होते हैं. तो आप मुझे बताओ, क्या हम कहीं पे जाके हमने सीखा है कि आग जलाती है, या हमने नॉलेज से सीखा है कि आग जलाती है? मोस्ट ऑफ अस, I hope most of us have no experience, इतना उनको कभी इतना मौका नहीं मिला या उनके साथ unfortunate event नहीं हुआ कि वो आग से जले हो, but still we know that it is dangerous to us because that's the knowledge. और यही वजह है कि अगर आपके पास experience नहीं भी है, just you have the knowledge, आप उस experience को compensate कर सकते हैं. और आप लोगों को वक्त के साथ साथ फिर पता चलता रहे, जब आप उसको exercise करोगे, you will be in a better position to become a leader. ठीक है, तो ये leader का जो function है, that is actually another role of the manager. Third role as an interpersonal is a liaison. ठीक है, एक liaison आपको, as a manager you have to create a liaison, कि आपको connect करना है अपनी organization को दूसरी organization से. This is basically, you can also say, this is a networking role, which is very important, specifically in the modern era. कि आप कितना अच्छे तरीके से network कर रहे हैं with people outside your organization. ठीक है, अब वो networking के through आपको नया business मिल रहा है, उस networking के through आपको favors मिल रही हैं, उस networking के through आपको new products के ideas मिल रहे हैं, उस networking के through आपको एक नई market में entry मिल रही है. So again, networking or liaison is an important role of the manager. So when we talk about the interpersonal role, the role as a person, figurehead, a symbolic head, leader, someone who's guiding and directing the and motivating the employees, and liaison, someone who is networking with the contacts outside the organization. So this was the first set of the roles. The second set of the role is a manager as handling the information. ठीक है, information is actually a wealth. जब information की हम बात कर रहे हैं कि a manager needs to handle lot of information, तो इसका मतलब है कि as a manager, first role, informational role is that you need to monitor, the role of a monitor. So this is actually 2.1, monitor. What is a monitor? के information gather करना, इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर रखना, मार्केट में प्राइसेस के ऊपर नजर रखना, न्यू गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर नजर रखना, टैक्स के मसाइल के ऊपर नजर रखना, क्या कंपेटिटर क्या कर रहा है उसके ऊपर नजर रखना, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ अ मैनेजर. और बीइंग यू बीइंग सिटिंग इन द मैनेजरियल सीट राइट नाउ, आप जिस मर्जी इंडस्ट्री में अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, यू नो कि आपको बहुत सारे जो फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उनको पता होना चाहिए, तभी तो आप अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, तभी तो आप उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यू आर एक्चुअली इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्या कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. अच्छा जी, क्यों इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है? यू नीड टू नो क्या उनकी डिमांड्स है,
या आपने नॉर्मल गैसोलीन इंजन पे ही चलना है? क्या वजह है कि आजकल पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है? क्या वजह है कि रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती जा रही है? क्या उसकी मार्केट है? इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक मैनेजर को हर वक्त उसको पद, और ना सिर्फ ये, ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट नंबर वन क्या कर रहा है, उसका क्या अप्रोच है, वो कब आता है कब जाता है, उसने अपना काम कितना कंप्लीट कर लिया है। और यही वजह है कि मॉनिटर फंक्शन में बहुत ज्यादा आजकल आईटी यूज हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, न्यू सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं टू कंट्रोल योर पीपल, टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू यू। इवन आपको मैं यहां तक बताऊं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उन्होंने स्पेसिफिकली बंदे रखे होते हैं जो उनके लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर रिसर्च का भी ताल्लुक आ जाता है, जो आपका एक पूरा कोर्स भी है रिसर्च का, एक पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट भी है आप बनाओगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च भी उसमें आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। चलो यहां तक तो मैं समझ आ गई कि बीइंग अ मैनेजर यू नीड टू मॉनिटर द इंफॉर्मेशन, यू नीड टू गैदर द इंफॉर्मेशन, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट इफ यू बिकम वांट टू बिकम एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर, आपके अंदर ये भी स्किल होना चाहिए, आपका ये रोल होगा, बल्कि स्किल तो बाद में हम भी डिस्कस करेंगे, कि आपने उस इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको उनकी जरूरत है। अब आपने सपोज आपको आपने तो नजर रख ली गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, नजर रख ली आपने गवर्नमेंट के इंपोर्ट पॉलिसी पे, नजर रख ली एक्सपोर्ट पॉलिसी पे, नजर रख ली मार्केट में क्या हो रहा है उस पर नजर रख ली, स्टॉक मार्केट कैसे है उस पर नजर रख ली, बट नॉट एवरी वन रिक्वायर्ड दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। ठीक है, हर किसी को उस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अब आपका यहाँ पे ये रोल है कि आप जिस बंदे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस तक वो पहुंचाएं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ना को उनको टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। टैक्स की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्चुअली नीडेड टू बी डिस्कस्ड विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग वालों को तो शायद कंपेटिटर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंपेटिटर की प्राइस स्ट्रेटेजी, कंपेटिटर की प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी चाहिए। टैक्स फाइनेंस वालों को टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, बजट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो बीइंग अ मैनेजर योर रोल इज टू एफिशिएंटली डिसिमिनेट दैट इंफॉर्मेशन। ये बड़ा जरूरी होता है कि हम जो अपनी इंफॉर्मेशन जो है गैदर करने के बाद सही तरीके से उसको ट्रांसमिट करें। एंड थर्ड रोल, इंफॉर्मेशन रोल, इज अ स्पोक्स पर्सन। बीइंग अ मैनेजर ना सिर्फ इंटरनली ट्रांसमिट करनी होती है इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नली भी लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना होता है। यू नीड टू स्पीक आउट एट डिफरेंट फोरम्स, यू नीड टू बी एबल टू राइट डाउन ऑन फेसबुक, ऑन ब्लॉग्स, ट्विटर, व्हाटसोएवर। और आप देखते हो कि आजकल ये जो हमारे SNS सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। ठीक है, तो पीपल आर ट्वीटिंग देयर अपडेट्स, पीपल आर पुटिंग देयर अपडेट्स ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू, इन पर्सन जाके भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्पोक्स पर्सन इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ मैनेजर व्हेन वी आर कमिंग टू इंफॉर्मेशनल रोल्स। So as a spokesperson, you transmit information to outsider. As a disseminator, you transmit information to the members of the organization. ठीक है? और spokesperson में outsider को. Finally, the decisional roles. ठीक है? अगर आप देखें तो a manager have to make so many decisions. Entrepreneur का जब भी नाम आएगा तो इट मीन्स देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। बींग एन एंटरप्रेन्योर मीन्स यू आर टेकिंग अ रिस्क एंड यू आर अवेलिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ इनोवेशन, समथिंग न्यू, समथिंग नॉट नेवर बींग डन, समथिंग डन इन अ यूनिक वे। सो अ मैनेजर, चूंकि उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, चूंकि उसने अपनी जो भी उसकी डोमेन है, जितना भी उसका इख्तियार है, जितना भी उसको डिवीजन मिला हुआ है,
उसमें अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड अप करना, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना, उन एक्सप्लॉइट करना, न्यू प्रोजेक्ट्स को सामने लेके आना, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट मैनेजेरियल रोल. एंड इट इन्वॉल्व्स रिस्क टेकिंग डिसीजंस, इट इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी सीकिंग डिसीजंस. सेकेंडली, दिस इज एक्चुअली 3.1, 3.2, अ मैनेजर नीड्स टू कंट्रोल द डिस्टर्बेंसेज एंड कंफ्लिक्ट. ठीक है, डिस्टर्बेंसेस किसी भी किस्म की हो सकती हैं. दैट डिस्टर्बेंस, देखो पावर आउटेज हो गई, बिजली नहीं आ रही, इस टाइम मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस. सो उसको मैं कैसे करेक्टिव एक्शन करूं? आई हैव अ यूपीएस फॉर दैट, मे बी जनरेटर्स फॉर दैट. लोगों के आपस में लड़ाई हो जाती है, दैट्स अ डिस्टर्बेंस. कोई आसमानी आफत आ जाती है, दैट्स अ डिस्टर्बेंस. ठीक है, उस आफत के ऊपर, अब जाहिर है COVID-19 इज अ बिग डिस्टर्बेंस. बिजनेसेस जो हैं बंद हो गए हैं, बिजनेसेस जो हैं उनको जिसे कहते हैं कि अपनी आपको चेंज करना पड़ा है. ठीक है, कितने बिजनेसेस ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स अ डिस्टर्बेंस. अब उस सूरत हाल उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपने देखा कि पिछले साल में बिजनेसेस किस तरीके से ऑनलाइन मूव हुए. अब इस टाइम मेरे सामने कोई ऐसा ग्रॉसरी स्टोर नहीं है जो होम डिलीवरी ना दे रहा, उनकी एग्जिस्टेंस इसमें है. कितने न्यू बिजनेसेस भी तो पैदा हुए, ये तो हम कह सकते हैं कि पुराने बंद हुए, लेकिन कितनी न्यू अपॉर्चुनिटीज अराइज. अब आप यही भी देखो कि इस टाइम मास्क 5 रुपए का मिल रहा है, एक टाइम तो ये मास्क 50-50 रुपए के हो गए थे, मिलते नहीं थे मार्केट से. ठीक है, लेकिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, अपॉर्चुनिटीज आई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी आई, मास्क भी सस्ते हुए, अवेलेबिलिटी भी हो गए. ठीक है, तो इस तरीके से अ डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर एक्चुअली डिसीजंस दैट अ मैनेजर नीड्स टू मेक. अगेन रिसोर्स एलोकेटर, जी किस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट करने ऑर्गेनाइजेशन में, किसको बाइक एलोकेट करनी है, किसको कंप्यूटर एलोकेट करना है, किसको ये वाला टास्क एलोकेट करना है, किसको एसी वाला कमरा चाहिए, किसको बगैर एसी वाला कमरा चाहिए, किसी को चाय पिलानी है, किसको नहीं चाय पिलानी है, किसको ये बजट देना है, किसको बजट नहीं देना, दैट्स आल्सो फंक्शन ऑफ मैनेजर. एंड फाइनली अ मैनेजर इज आल्सो अ नेगोशिएटर. यू आर ऑलवेज नेगोशिएटिंग. अभी थोड़ी देर में आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कहेंगे सर दैट्स इनफ, वो मेरे से एक नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे, सर आज बहुत, बस अभी हमें इतनी समझ नहीं आ रही, लेट्स एंड इट हियर. ठीक है, सो दैट्स आवर नेगोशिएशन. सर कोर्स को रिड्यूस करते हैं, दैट्स अ नेगोशिएशन. सर अब घर में आपकी नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी. माशाल्लाह अभी डिग्री करने के बाद आप में से बहुत सारे लोग शादियों की उम्र को होंगे, आप वहां पे अपने पेरेंट्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे. इट्स टाइम, फाइंड अ पार्टनर फॉर अस. या हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिनके पेरेंट्स चाहते हो कि उनकी शादी कर दी जाए, यू वुड से नो नॉट एट दिस स्टेज, we still need to make our careers, we still need to do some jobs, this is too early. So negotiations are always going on. Price pe negotiations, supply pe negotiations, materials pe negotiations, negotiations with your own employees, unse baat banwana, wo ye sari cheeze jo hain ye managerial role mein shamil hoti hain. So these were the roles, the 12 roles actually. Agar aap ek dafa inko dekh lo to there are 12 roles, aur aap inko agar conceptually samajh sakte ho तो ये आपके जहन में भी बैठ जाएंगे. वी विल कीप ऑन रिपीटिंग, इस पे कोई ज्यादा बर्डन नहीं है. मैं आपको रट्टे की तरफ नहीं इसमें इंशाल्लाह लेके जाऊंगा इस कोर्स में, बट द कॉन्सेप्ट शुड ऑलवेज बी देयर. एंड फाइनली वी विल एंड दिस लेक्चर विद मैनेजेरियल स्किल्स. ये एक और पर्सपेक्टिव है. तीन पर्सपेक्टिव हमने पढ़े, फंक्शंस, 4 फंक्शंस, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, ये भी सारे मैनेजर्स, ये एक नजरिया है, जैसे हम कहते हैं ना नजरिया पर्सपेक्टिव, एक नजरिया है फंक्शंस, ये 4 फंक्शंस हैं जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं. दूसरा नजरिया है रोल्स, ये 10 रोल्स हैं जो हर मैनेजर परफॉर्म करता है, ये एक और नजरिए से हम उसको देख रहे हैं. और तीसरा नजरिया जो है दैट इज अ स्किल्स. इफ यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैनेजर, आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए? और यहीं से तो बात मैंने शुरू की थी. मैंने आपसे शुरू में भी ये बात की थी
कि तीन किस्म के स्किल्स जो हैं वो एक मैनेजर में होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज जो आप हासिल कर रहे हो इस टाइम, ठीक है, आपको तो माशाल्लाह मतलब इतनी सारी चीजें पता है, फाइनेंस में आपने बजट कैसे बनाना है, आपने मतलब आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन और मैं कभी कभी फाइनेंस की बात करके खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। फाइनेंस और अकाउंटिंग के बारे में इतना मुझे चीजों के बारे में नहीं पता, आई डोंट हैव दैट टेक्निकल स्किल्स एक्चुअली। अगर टेक्निकल स्किल्स में बात की जाए तो मेरी इवन टेक्निकल स्किल्स भी साइकोलॉजी और एचआर की साइड पे है। लेकिन जस्ट टू से, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, यू नो हाउ टू एनालाइज योर अकाउंटिंग, यू नो दैट बैलेंस शीट एंड दोज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड दोज स्टफ, माशाल्लाह ये आप लोगों का बड़ा टेक्निकल स्किल्स है, ठीक है, यू हैव अ नॉलेज ऑफ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ITs एंड दोज स्टफ, सप्लाई चेन, ये सारा आपका टेक्निकल नॉलेज है, प्लस योर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इंक्लूड। टेक्निकल स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, ठीक है, ये लोहे से चीजें कैसे बनानी है ये टेक्निकल नॉलेज है, टाइल कैसे लगानी है ये टेक्निकल नॉलेज है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये टेक्निकल नॉलेज है, कोई सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है ये टेक्निकल नॉलेज है। देन देयर इज अनदर स्किल व्हिच इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल, डिफिकल्ट सिचुएशंस में को एनालाइज करना और उनके बारे में कुछ डिसीजन करना उनको, दैट इज योर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। हाँ जी, आपकी फैक्ट्री है कॉटन से आप धागा बनाते हो, तो क्या आपको कॉटन आज परचेज करनी है या आपको कॉटन 2 महीने के बाद परचेज करनी है, दैट इज योर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आपकी फैक्ट्री के हिस्से में आग लगे फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, दैट इज वहां पे आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स काम करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अच्छे होते तो आपने पहले से इंश्योरेंस करवा के रखी होती, फॉर इंस्टेंस, आपको अगर थोड़ा सा एंटिसिपेट करते हो उसमें, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज करने की एबिलिटी, दैट इज एक्चुअली नीडेड बाय अ मैनेजर। लेकिन इन सारी चीजों से हट के अगर देखा जाए तो ह्यूमन स्किल्स, कहते हैं कि ये टेक्निकल स्किल्स ना ये लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए बहुत यूजफुल है। जब आप लोअर लेवल पे, आप पहली पहली आपकी जॉब्स होती हैं, इनिशियली आपके अंडर 4-5-6 साल 2 या 3 लोग काम कर रहे होते हैं, यू नीड मोर टेक्निकल स्किल्स। और कहते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं व्हेन यू आर अ टॉप लेवल मैनेजर, मर्जर्स, एक्विजिशंस, गोइंग ग्लोबल, सेलिंग अ यूनिट, ऑल दोज डिफिकल्ट बिग 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 स्ट्रेटजीज, ठीक है, विच आर लाइक स्ट्रेटजिकल डिसीजंस, दोज नीड्स कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। बट दे से the human skills are required by all level of managers, lower, middle, upper, ye human skills jo hain they are equally important, the ability to work with, understand and motivate other people both individually and in groups, and in this particular course of OB we will discuss these human skills, hamara focus in human skills ke upar rahega kyunki aap baki courses mein technical skills aur conceptual skills jo hain wo काफी हद तक कवर कर चुके हो या करते रहोगे। सो वील एक्चुअली फिनिश ओवर दिस पार्ट 1 ओवर हियर राइट नाउ। अच्छा जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मैनेजर्स के 4 फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि ये वाली वैसे डायग्राम गलत है थोड़ी सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, यानी 4 फंक्शंस जो मैनेजर्स हैं वो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है। दूसरा नजरिया जो हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमें दिया वो ये कि 10 रोल्स होते हैं मैनेजर्स के, ठीक है, जिनको हम डिवाइड करते हैं इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इंटरपर्सनल रोल्स में फिगर हेड, लीडर, लियन, इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन, एंड डिसीजनल रोल्स में एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। सो ये 10 रोल्स हैं।
एक और पर्सपेक्टिव है जिसमें जो केट्स है वो कहता है कि बेसिकली रॉबर्ट केट्स बंदे का नाम है जो कहता है कि एक मैनेजर, एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए तीन स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निकल स्किल, यानी जो आपके पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज है, आप लोग जो टेक्निकल स्किल्स फॉर एग्जाम्पल सीख रहे हो दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट का जो आपका स्किल है, जैसे अगर कोई फाइनेंस का स्किल आप सीख रहे हो, अकाउंटिंग का स्किल आप सीख रहे हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें सीख रहे हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MIS, मार्केटिंग, HRM, ये आपकी टेक्निकल नॉलेज है। जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, SWOT एनालिसिस कैसे करना है, डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज कैसे करनी है, सारा टेक्निकल नॉलेज है। अच्छा फिर ये तो चलो ये तो हमें समझ आती है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के जी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में उनको एनालाइज कैसे करना है, उनकी उनमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। अच्छा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्या होती हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अच्छा भला चलता हुआ स्कूल उसको बंद करना पड़ा कोविड की वजह से, एक साल तक स्कूल बंद रहे, ठीक है, एक साल नहीं तो कम से कम 6 महीने तक स्कूल बंद रहे, पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे, स्कूल वालों के पास अब पैसे नहीं आ रहे, उन्होंने रेंट लिए हुए हैं बिल्डिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस चलानी है, कैसे चलानी है, ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। और इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस से कैसे जैसे कहते हैं ना, कैसे फेस करना है, कैसे डिसीजन लेना है, दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर। अच्छा अब इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सीखने का तरीका जो पूरी दुनिया में राइज है, जो MBAs वगैरह में बहुत ज्यादा जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट इज द केस स्टडी मेथड। यानी आप एज अ स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कैसे हासिल कर सकते हैं, बाय डूइंग लॉट्स ऑफ केस स्टडीज, बाय डूइंग लॉट ऑफ रीडिंग, बाय वॉचिंग दोज प्रोग्राम्स जो आपको बिजनेस के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनसे हैंडल करना सिखाती हैं। ऐसे प्रोग्राम्स यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, इवन कुछ अर्सा पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका का, जो इससे प्रीवियस प्रेसिडेंट था, उसका भी एक प्रोग्राम आया करता था जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशंस को हैंडल करते थे, एक मुकाबला करवाया जाता था। तो ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। अच्छा अब यहाँ पे जो तीसरे स्किल, अब मैंने आखिर में इसका नाम इसलिए लिया बिकॉज दिस इज अगेन रेलिवेंट टू ओवर कोर्स ऑफ OB, इज द ह्यूमन स्किल्स। The human skills. That is the ability to work with, to understand, and motivate other people, both individually and in group. यानी लोगों के साथ काम करने की ability, लोगों से काम निकलवाने की ability, लोगों को अपनी बात समझाने की ability, लोगों को influence करने की ability, उनको motivate करने की ability. That is the human skills. And once again, that's an essential management skill. यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करूं कि आपको पता है कि मैनेजर्स की तीन लेवल्स होती हैं, ठीक है, जिसके आपने एक शायद पायरामिड भी देखा हो कि यू हैव लोअर लेवल मैनेजर्स, यू हैव मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड यू हैव टॉप लेवल मैनेजर्स। रिसर्च से ये साबित हुआ कि जो टेक्निकल स्किल्स है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर अ लोअर लेवल मैनेजर। यानी आपकी नई नई जॉब है, 2-3-4 साल हुए हैं आपको भी जॉब किए हुए, आप फर्स्ट लेवल के मैनेजर बनना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल नॉलेज हर फील्ड का अपना होता है, हर फील्ड में डिफरेंट होता है, प्रोग्रामिंग का अपना टेक्निकल स्किल है, ठीक है, इसी तरीके से हार्डवेयर रिलेटेड अपने टेक्निकल स्किल्स हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है वो एक मैकेनिक का टेक्निकल स्किल है, गाड़ी की बॉडी पे कौन सा पेंट इस्तेमाल होना है वो एक पेंटर का अपना टेक्निकल स्किल है। तो वो टेक्निकल स्किल हर फील्ड का स्पेशलाइज्ड होता है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर अ टॉप लेवल मैनेजर, उनकी इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ जाती है
इसका ये मतलब नहीं है कि टॉप लेवल के पास बिल्कुल ही टेक्निकल स्किल ना हो और लो लेवल के पास बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल स्किल ना हो. कहने का मतलब ये है कि उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा इस लेवल पे होती है. व्हेन यू आर अ टॉप लेवल मैनेजर यू नीड टू हैव मोर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ मैनेजेरियल पोजीशन, आप लोअर लेवल हैं, मिडिल लेवल हैं या टॉप लेवल हैं, ह्यूमन स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स. Then the ability to work with, to understand, to motivate other people, both individually and in group, are equally important for all levels of managers. History में एक बंदा गुजरा जिसका जो आप समझे कि early 1900s का जो Bill Gates था, यानी उस जमाने का अमीर तरीन या second अमीर तरीन आदमी, ठीक है, दो लोग बड़े उस जमाने में अमीर थे, एक John D. Rockefeller. ये रॉकफेलर जो है ये ऑयल से इसने पैसा कमाया, और दूसरा है एंड्रियो कार्नेगी. एंड्रियो कार्नेगी, बेशक ये नाम आप गूगल पे सर्च भी कर लें, ये एंड्रियो कार्नेगी जो था ये इसने पैसा कमाया लोहे से, आयरन से, आयरन की फैक्ट्रीज लगा के, आयरन के ट्रेन के डब्बे बना के, आयरन की ट्रेन की पटरियां बना के. इसकी अपनी मुंह जबानी बात यह है कि ये कहता है कि आयरन से चीजें कैसे बनाते हैं, उनकी मोल्डिंग कैसे होती है, मशीनें कैसे काम करती हैं, मुझे कतन इसका कुछ पता नहीं. मुझे इस चीज का नॉलेज है कि लोगों से काम कैसे कराना. ये उसने खुद बात की, और वो उसका गवाह, उसकी हिस्ट्री पूरी अगर आप पढ़ें उसके बारे में, तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जब उसने प्रोजेक्ट्स विन इसलिए किए कि उस वो लोगों को समझता था. उसने अपनी फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाई कि वो लोगों को समझता था. यानी एक छोटा सा मैं आप एग्जांपल आपसे शेयर करूं कि एक दफा वो अपनी फैक्ट्री में गया. आपको पता है जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें शिफ्टें चलती हैं ना, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, शिफ्ट चलती हैं. तो वो फैक्ट्री में गया तो उसने देखा कि दीवार पे एक नंबर लिखा हुआ है. जैसे दीवार पे मैं एक नंबर लिख देता हूं, मैंने कहा जी ये दीवार पे नंबर लिखा हुआ है 42. उसने किसी से पूछा कि ये नंबर क्यों लिखा हुआ है, इवनिंग में अपनी फैक्ट्री में जब गया उससे पूछा कि ये नंबर क्यों लिखा हुआ है. किसी ने बताया कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के लोग हैं वो जाते जाते ये नंबर लिख गए कि आज हमारी इतनी प्रोडक्शन हुई है. अब उसके जहन में एक आइडिया आ गया, उसने उस नंबर के नीचे लिख दिया मॉर्निंग शिफ्ट की प्रोडक्शन, इवनिंग वाले इसको बीट कर सकते हैं या नहीं, और यहां उसने एक हेल्दी कंपटीशन पैदा कर दिया. अब इवनिंग वाले जब आए तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये मॉर्निंग शिफ्ट की प्रोडक्शन है और बॉस ने लिखा है कि इसको बीट कर सकते हैं, नहीं कि लेट्स बीट इट. उन्होंने उससे ज्यादा प्रोडक्शन, उन्होंने जाते जाते कह दिया इवनिंग शिफ्ट की प्रोडक्शन. अब जब मॉर्निंग शिफ्ट वाले आए तो उन्होंने कहा ये तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया. और आपको पता है जब भी कॉम्पिटिशन आता है इंसान के अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं, और सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है. सो ये इस तरह की जो ह्यूमन स्किल्स हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स, एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू हु आर गोइंग टू बी द मैनेजर्स ऑफ द फ्यूचर. अंडरस्टैंड पीपल, एबिलिटी टू वर्क विद द पीपल, उनसे काम कैसे निकलवाना है, उनके इमोशंस को कैसे यूज करना है पॉजिटिवली, कौन सी पर्सनैलिटी का बंदा किस सिचुएशन में ज्यादा फिट होगा, कौन सी एबिलिटी का बंदा कौन सा काम कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, ग्रुप टीम्स कैसे बनती हैं, ये वो नॉलेज है जो एज अ मैनेजर इज गोइंग टू फ्रॉम योर फर्स्ट डे एट जॉब टिल योर लास्ट डे ऑन दिस अर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. एक फोर्थ पर्सपेक्टिव है कि मैनेजेरियल एक्टिविटीज का, और ये जरा न्यू पर्सपेक्टिव है, दैट इज द एक्टिविटीज. हमने देखे तीन पर्सपेक्टिव, फंक्शंस, स्किल्स, रोल्स, एंड नाउ द एक्टिविटीज. सो दिस इज द फोर्थ पर्सपेक्टिव. ये लुथन्स है, लुथन्स मॉडर्न डे का मैनेजमेंट का रिसर्चर है, आजकल के दौर का, अभी भी जिंदा है, आल तो काफी बूढ़ा हो गया, लेकिन इसने काफी पिछले 20-25 सालों में मैनेजमेंट साइंस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की. लुथन्स कहता है कि एक मैनेजर जो है ना वो चार किस्म की एक्टिविटीज में बिजी रहता है.
अच्छा, यहाँ पे उसने एक्टिविटी का वर्ड लिया है ना, पहले ने कहा फंक्शन, दूसरे ने कहा स्किल, तीसरे ने कहा रोल, चौथा कहता है एक्टिविटीज। तो ये चार किस्म की एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक तो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, जिन्हें हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, वो सारी चीजें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं, ठीक है। एक तो ये एक्टिविटी होगी। दूसरा लुथन्स कहता है कि मैनेजर्स कम्युनिकेशन में बिजी रहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पेपर वर्क, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन कॉल्स, वन टू वन मीटिंग, ये कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हो गई। तीसरा लुथन्स कहता है कि मैनेजर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिजी रहते हैं। अगर देखा जाए तो ह्यूमन स्किल्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, मोटिवेटिंग, डिसिप्लिनिंग, मैनेजिंग कंफ्लिक्ट, हायरिंग पीपल, फायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, ये तमाम चीजें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज कहलाती हैं। चौथा लुथन्स ने कहा कि जो मैनेजर्स हैं वो नेटवर्किंग में बिजी रहते हैं, जैसे हमने लियन की बात की थी रोल्स में, कि मैनेजर्स आर बिजी इन सोशलाइजिंग, पॉलिटिकिंग, ठीक है। पॉलिटिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे अपने सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, इफ इट्स पार्ट ऑफ अवर कोर्स, इवन इफ इट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर कोर्स तो फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि पॉलिटिक्स, गॉसिपिंग, इधर की बात उधर लगाना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, लोगों को अपना साथी बना लेना ग्रुपिंग्स में, ये दिस इज आल्सो पार्ट, दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मैनेजेरियल एक्टिविटी, वो लोग करते हैं, इसीलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, यानी सोशलाइजिंग करना। तो कौन सी चार किस्म की एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की लुथन्स? ये नहीं आपको कह रहा कि ये काम करना है कि नहीं करना, लुथन्स ये बता रहा है कि उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मैनेजर्स इन चार किस्म की एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। कौन कौन सी? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जिसमें डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, वही जो सारी एक्टिविटीज हम डिस्कस कर चुके हैं। देन कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, जैसे हमने जब रोल्स डिस्कस किए थे तो मॉनिटर और डिसिमिनेटर की बात की थी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज, स्टाफ को मोटिवेट करना, स्टाफ को डिसिप्लिन करना, भाई तुम लेट क्यों आए हो, तुमने छुट्टी क्यों की, काम क्यों नहीं कर रहे, ये काम गलत तरीके से हुआ है, इसको ठीक करके लाओ। मैनेजिंग कंफ्लिक्ट, आपस में डिसएग्रीमेंट आ रहा है आपके दो मातहत लोगों में, दो सबऑर्डिनेट्स में, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड अदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी, जो अपने प्रीवियस सेमेस्टर में एचआरएम के कोर्स में पढ़ चुके हो, नंबर फोर सेमेस्टर जो था आपका। एंड नेटवर्किंग, लुथन्स कहता है ये चार किस्म की एक्टिविटीज में मैनेजर इन्वॉल्व रहती है। अब इन एक्टिविटीज को कौन ज्यादा किस पे फोकस करता है, कौन कम किस पे फोकस करता है, दैट इज आल्सो अ डिटरमिनेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजर एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। लुथन्स कहता है कि इफेक्टिव मैनेजर और सक्सेसफुल मैनेजर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इफेक्टिव मैनेजर वो है कि जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा फायदा करता है, सक्सेसफुल मैनेजर वो है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इतना फायदा नहीं करता, अपना फायदा ज्यादा करता है, यानी जल्दी तरक्की करता है। तो कैसे पता चला कि कौन सा मैनेजर ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सा मैनेजर ज्यादा सक्सेसफुल है? लुथन्स ने उसके लिए पाई चार्ट बना दिए। उसने जब रिसर्च की तो उसको पता चला कि जो एक एवरेज मैनेजर है, नाइदर टू सक्सेसफुल नाइदर टू इफेक्टिव, नाइदर वेरी लेस सक्सेसफुल नाइदर वेरी लेस इफेक्टिव, वो जो एवरेज मैनेजर है वो 32% अपना टाइम जो है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज में लगाता है। जैसे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, वो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। 29% ऑफ द टाइम वो कम्युनिकेशन में लगाता है, 20% ऑफ द टाइम
वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज और 19% नेटवर्किंग में लगाता है। ये एक एवरेज मैनेजर। जो सक्सेसफुल मैनेजर हैं, जो जल्दी तरक्की करते हैं, जो जल्दी प्रमोट हो जाते हैं, वो स्टैगरिंग 48% ऑफ द टाइम नेटवर्किंग में लगाते हैं। दिस इज एक्चुअली एन अनफॉर्चुनेट स्टैटिस्टिक्स। दिस इज समथिंग जो आई पर्सनली स्ट्रॉन्गली कंडेम, अनएथिकल, लेकिन वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस इज नेटवर्किंग। You know other people, you have a large followership with the people, you have a large network, जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आते हैं और जरूरत पड़ने पर जिनके आप काम आते हैं। 48% of the time वो managers networking में spend करते हैं, 28% communication में spend करते हैं, 13% traditional management activities में, 11% human resource management activities। और ऑन द अदर हैंड वो मैनेजर्स जो इफेक्टिव होते हैं, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती है, वो 44% ऑफ टाइम कम्युनिकेशन में लगाते हैं, यानी लोगों से बातचीत करने में, लोगों के साथ ऑन बोर्ड रहने में वो ये टाइम लगाते हैं। जस्ट टेकिंग अ स्मॉल पॉज फॉर द फोन कॉल, अभी फिर से रिज्यूम करता हूँ। अच्छा जी, रिज्यूमिंग। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो मतलब ये रिसर्च से ये पता चला, 1988 की ये रिसर्च है, कि जी जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं वो ज्यादा टाइम अपना नेटवर्किंग में स्पेंड करते हैं, और जो इफेक्टिव मैनेजर्स हैं वो ज्यादा टाइम अपना कम्युनिकेशन में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक बड़ा एक एथिकल सा इशू आ जाता है यहाँ पे, कि जी आइदर यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल ऑन द कॉस्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप अपने आप को तो आगे ले जाएं, आप अपनी तो प्रमोशन जल्दी करवा लें लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसका फायदा ना हो, तो इन द लॉन्ग रन दिस कैन बी डिजास्टर फॉर बोथ, डिजास्टर फॉर द पर्सन एज वेल एंड द डिजास्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। कंक्लूसिव अगर हम करें, फंक्शन, स्केल्स, रोल्स, एक्टिविटीज, सो वन कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू द फंक्शंस, रोल्स, स्केल्स एंड एक्टिविटीज अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, मैनेजर्स नीड टू डेवलप देयर पीपल स्किल इफ दे आर गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। एंड यू नो व्हाट इज एफिशिएंसी एंड यू नो व्हाट इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, आई थिंक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑलरेडी आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि Effectiveness means achieving the goals. अगर आप जो targets आपको दिए जा रहे हैं वो meet कर रहे हैं तो you are effective. Efficiency means कि आप कम input के साथ ज्यादा output हासिल कर रहे हैं, यानी आपकी input कम है और आपकी output ज्यादा है, कम time में ज्यादा काम करवा रहे हैं, कम resources waste करा रहे हैं, और मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर रहे हैं। सो एफिशिएंसी इज आल्सो अ वे टू अचीव इफेक्टिवनेस। आपने प्रोडक्ट बनाई जिसपे आपकी कॉस्ट आई है 100 rupees पर पीस, सेल कर रहे हैं 200 पे। ऑन द अदर हैंड आपने प्रोडक्ट बनाई जिसपे आपकी कॉस्ट आई है 50 rupees, सेम क्वालिटी, लेकिन वेस्टेज कम से कम हुआ, ह्यूमन रिसोर्स कम से कम यूटिलाइज हुई, मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाई और सेल कर रहे हैं 200 या चलो 180 भी अगर कर लो, तो यहां पे आपका नेट प्रॉफिट जो है दैट इज 100 और यहां पे जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 130, नॉट 130 इवन 50 प्लस 50, हाँ 130। तो कौन सी सूरत हाल ज्यादा एफिशिएंट है और कौन आपके टारगेट्स, आपके गोल्स को
profitability ke goals ko zyada achieve kar rahi hai. So this is efficiency. Kam input ke saath zyada output hasil karna. Effectiveness is achieving the goals. So agar dekha jaye to we can define organizational behavior as a field of study that investigates the impact that individuals, akela banda, groups and organizational structure have on behavior within the organization. ठीक है, लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या इंपैक्ट, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. और इसको इन्वेस्टिगेट करने का मकसद ये है कि इस नॉलेज को हम अप्लाई कर सकें टू इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो स्टडी कहलाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर.